मेरे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करने वाले हैं मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी टास्किंग के बीच के डिफरेंसेस की, क्योंकि इन दोनों टर्म्स को सुनने में एक जैसी लगती है, इन दोनों टर्म्स का एक जैसा काम लगता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग होती हैं। इन दोनों को समझने के लिए हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीटास्किंग की। मल्टीटास्किंग होता क्या है? जब एक टाइम पे एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म किए जाते हैं तो वहां पे मल्टीटास्किंग यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप पीसी पर सॉन्ग सुनते सुनते कोई भी टाइपिंग कर रहे हैं तो ये दो काम एक साथ हो रहे हैं, ये आपका हो गया मल्टी टास्क। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो शेड्यूलिंग करता है, मींस इसमें जो दो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं वो टाइम शेयरिंग के थ्रू हो रहे हैं। इसमें क्या करता है सीपीयू, जैसे तीन टास्क है हमारे T1, T2, T3 दिए गए डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो इसमें सीपीयू एक होता है, वो क्या करेगा, सबसे पहले हमारा T1 को एक टाइम देगा, टाइम ड्यूरेशन के बाद स्विच करेगा, सेकेंड T2 को एग्जीक्यूट कराएगा, फिर T3 को एग्जीक्यूट कराएगा, फिर T1 पे आएगा, फिर T2 पे आएगा। इस तरीके से वो स्विच करता है और टाइम को शेयर करता है। इसमें जो स्विचिंग होती है मींस एक टास्क से दूसरे टास्क में मूवमेंट जो होती है वो बहुत ही नैनो सेकेंड्स की होती है, इसलिए हमें लगता है कि सारे के सारे टास्क एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं। तो आई होप कि आपको मल्टी टास्किंग समझ में आ गई। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है मल्टी प्रोसेसिंग। यूनी प्रोसेसर में सिस्टम में एक प्रोसेसर होता है और एक प्रोग्राम को एक टाइम पे ही एग्जीक्यूट कराया जाता है, जबकि जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है उसमें क्या होता है, एक से ज्यादा प्रोसेसर मींस सीपीयू यूज किए जाते हैं किसी भी प्रोग्राम या प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए। होता क्या है, इसमें किसी भी एक प्रोसेस को क्या कर दिया हमने, कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे P1, P2, P3 में डिवाइड करके, और इनको पैरेलली एग्जीक्यूट कराया जाता है अलग अलग सी। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोसेस पी है जिसे P1, P2, P3 सब प्रोसेसेस में डिवाइड कर दिया गया, मींस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में डिवाइड कर दिया गया, और P1 को C1 प्रोसेसर में एग्जीक्यूट कराया जा रहा, P2 को C2 प्रोसेसर में एग्जीक्यूट कराया जा रहा, और P3 को C3 प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट कराया जा रहा। ये सब पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया जा रहा है अलग अलग सीपीयू में, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग का यूज टाइम सेविंग के लिए किया जाता है, मींस इसके थ्रू टाइम सेव होता है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम पी है, अगर उसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा तो उसको एक घंटा लग रहा है एग्जीक्यूट कराने में, लेकिन अगर उसके पार्ट को डिवाइड कर दिया गया और हर एक पार्ट को अलग अलग एग्जीक्यूट एक साथ कराया जा रहा तो वही कम समय में एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। मींस किसी भी एक पर्टिकुलर बड़े प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने में ज्यादा समय लगेगा, जबकि उसको अगर इंस्ट्रक्शंस में डिवाइड कर दिया जाएगा और छोटे छोटे पार्ट को अलग अलग एक साथ एग्जीक्यूट कराया जाएगा तो वहां पर कम टाइम लगेगा, इसलिए मल्टी प्रोसेसिंग का यूज होता है। अब आइए इनके दोनों के बीच के डिफरेंसेस की बात कर ले। तो सबसे पहला डिफरेंस ये आ जाता है कि एक से ज्यादा टास्क को एक साथ परफॉर्म करा जाता है तो वहां पर मल्टी टास्किंग होती है, और जब एक से ज्यादा प्रोसेसर का यूज करके किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को ब्रेक करके इंस्ट्रक्शंस में उसको एग्जीक्यूट कराया जाता तो वहां पर मल्टी प्रोसेसिंग यूज होती है। इसके बाद बात कर ले मल्टी टास्किंग में एक सीपीयू होता है, जबकि मल्टी प्रोसेसिंग में एक से ज्यादा सीपीयू का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ गया, जो मल्टी टास्किंग में ज्यादा समय लगता है मल्टी प्रोसेसिंग के कंपैरिजन में, क्योंकि मल्टी टास्किंग में सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होंगे, टाइम उतना ही लेंगे लेकिन एक साथ एग्जीक्यूट होंगे, जबकि हमारे जो मल्टी प्रोसेसिंग में होते हैं वो अलग अलग सीपीयू किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक सीपीयू का यूज किया जाता है, दूसरे टास्क को परफॉर्म करने के लिए दूसरे सीपीयू का यूज किया जाता है। मींस इसमें पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है, इसलिए इसमें समय कम लगता है एग्जीक्यूशन में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है, जो मल्टी टास्किंग में 1x1 जॉब एग्जीक्यूशन होता है, जबकि जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है उसमें एक से ज्यादा प्रोसेस एक साथ एक टाइम पर ही एग्जीक्यूट हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है, जो मल्टी टास्किंग होती है वो टाइम शेयर पर डिपेंडेंट करती है, जबकि जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेस शेयरिंग पर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है वो मल्टी टास्किंग के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिव होती है और जल्दी रिजल्ट प्रोवाइड कराती है। आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग में डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।